आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक फार्मूले बताऊंगा जो कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि अधिकतर चैनल वाले या कोचिंग वाले टीचर्स एक जगह इकट्ठा नहीं बताते हैं, अलग अलग चैप्टर में बताते हैं, इसलिए बच्चों को कन्फर्म नहीं रहता। लेकिन सीबीएसई अकेडमी पर मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि आपको एक जगह सारी चीज़ जो कन्फ्यूजन जो गलत होती है परीक्षा वो आज के बाद नहीं होगी। आप आज पढ़ने के बाद कहीं दूसरी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए कौन कौन से फार्मूले हैं, कम से कम 15 से 20 फार्मूले होते हैं जिसका उपयोग किसी भी कंपटीशन में परीक्षा में होता है, और जिस पर स्टार बना लूंगा वो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। सबसे पहले आता है बेंजीन, देखो था बेंजीन, इसका नाम होता है बेंजीन। अगर इस बेंजीन पर हम CH3 ग्रुप लगा दें, इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन, हो जाएगा टॉलुइन। अगर इस पर हम CHO ग्रुप लगा दें, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें, ये हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। अगर आप इस पर OH ग्रुप लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका फिनाइल, फिनाइल। यही अगर आप यहाँ पे CH2OH ग्रुप लगा हो, यहाँ पे CH2OH ग्रुप लगा हो तो होता है बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगर बेंजीन रिंग पर COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दीजिए, तो हो जाता है आपका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अगर आप NH2 ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि एमीन ग्रुप होती है, इसका नाम हो जाता है आपका एनिलीन, जो कि नेम्ड रिएक्शन में और विभिन्न प्रकार के रिएजेंट के साथ से रिएक्शन करती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसका नाम आपको जानना जरूरी होता है। इसके बाद आता है अगर आप नाइट्रो ग्रुप जोड़ देंगे बेंजीन पर, तो हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। ये सब कॉमन है, हर बुक में मिलेगा, आपको गलती कहाँ होती है वो अब कोई बताएंगे अभी तक, ये तो बेसिक है, कोई भी टीचर कोई भी कोचिंग वाले अब बुक में मिल जाएगा साधारण तौर पर। अगर आपको यही चीज ऐसे लिखा मिल जाए, इसका नाम होता है बेंजाइल एमीन, इसका नाम क्या हो गया बेंजाइल एमीन। देखिए ये बेंजाइल एमीन है, आप जैसे भी एरोमेटिक रिंग देखते हैं बेंजीन रिंग, आपको लगता है कि ये एरोमेटिक, लेकिन ये एलिफैटिक होती है, जो कि नीट और जेई परीक्षा में या बोर्ड सीबीएसई खासतौर पर ये पूछा जाएगा कि कौन सा अमीन है, तो ये एलिफैटिक है, एरोमेटिक नहीं है, इसलिए इस पर स्टार बना हुआ, ये एलिफैटिक अमीन। ये मोस्ट जब तक बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, यहाँ CH2 के बाद जुड़ा हुआ है, यहाँ CH2 के बाद कोई ग्रुप जुड़ा तो बेंजाइल एमीन, यहाँ OH भी लगा जैसे ये वाला देखिए यहाँ पे बेंजाइल एल्कोहल, यानी CH2 ग्रुप, बेंजीन से CH2 के बाद कोई ग्रुप जुड़ा तो उसको बेंजाइल बोलेंगे। इसके बाद आता है आपका अगर बेंजीन रिंग पर आप ऐसे लगा दें OCH3, इसका नाम होता है एनिसा, एनिसा। अगर यही आप C2H5 कर दीजिए तो हो जाता है फेनिटा, हो जाएगा फेनिटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए एनिसाल का रिएक्शन कैसे कराते हैं, फिनिटाल का रिएक्शन कैसे कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। बाकी ये जो ऊपर लिखे हुए हैं हर बुक में सब ज्यादातर बच्चों को याद रहता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है, जहां जहां स्टार बना है उसको आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है कि कौन कौन से कहते हैं। बेंजाइल एमीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेंजाइल एल्कोहल कैसे होता है, ये देखिए आप
इसके बाद कुछ और है, जैसे बेंजीन रिंग है लेकिन इस पर आपको CH3 लगा दिया, वो CH3 कर दिया गया ऐसे ये CO कर दिया CO, तो इसका नाम हो जाता है एसिटोफिनॉल, हो जाएगा एसिटोफिनॉल। अंतर देखो जी, एसिटोफिनोन में CH3CO ग्रुप यानी इतना ग्रुप होता है, इसमें जबकि OCH3 है, ये अंतर देखना, यानी साल में OCH3 होता है जबकि एसिटोफिनोन में कीटो ग्रुप होता है। उसी तरीके से अगर आप बेंजीन रिंग के साथ C2H5 ले लेंगे और ये हो गया कीटो ग्रुप, इसको जोड़ देंगे थे बेंजोफिनोन, बेंजोफिनॉल। इसके बाद अगर आप कुछ और ग्रुप देख सकते हैं, जैसे सैलाल का फार्मूला होता है, ये है ये होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड।